हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉस्मोस। आई होप यू ऑल विल बी गुड एंड क्वाइट हेल्दी। सो हेयर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज 17.5 फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर में करंट कैरी करवाया जाए तब जो फोर्स क्रिएट होता है उसकी बात हम यहाँ करेंगे। You have seen earlier that when current flow through a conductor, magnetic field is produced around it. हम देख चुके हैं पहले, जैसे ही कंडक्टर में करंट फ्लो करवाते हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी कि करंट की डायरेक्शन क्या है। सिमिलरली व्हेन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स एक्ट करेगा। इसी को हम एक एक्सपेरिमेंट में समझते हैं। लेट अस सस्पेंड ए पीस ऑफ कॉपर वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ ए हॉर्सशू मैग्नेट। ये क्या करते हैं, कॉपर वायर का पीस लेते हैं और हॉर्सशू मैग्नेट में रखते हैं और इस तरह रखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसके परपेंडिकुलर उस वायर को हम उसकी लेंथ को रखेंगे, वायर की लेंथ को। एज सून एज करंट इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू दिस वायर इट बिकम्स डॉट अपवर्ड। क्या होगा, वैसे ही क्या होगा, करंट को हम फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। विद दिस बिकम क्लियर दैट अ फोर्स एक्ट ऑन द करंट फ्लोइंग कंडक्टर। और यहाँ क्या हो जाएगा, उस कंडक्टर में जो कॉपर वायर लिया करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑलवेज, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, करंट की डायरेक्शन के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट आर बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी तरह जो करंट की डायरेक्शन होगी वो भी दोनों के परपेंडिकुलर हो, किसके, फील्ड के। इफ़ द मैग्नेट इज़ फ्लिप्ड, मैग्नेट को क्या कर दिया जाए, फ्लिप कर दिया जाए, द पोल्स आर रिवर्स्ड, तो क्या, जैसे कि पोल्स रिवर्स कर दो, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ, द कंडक्टिव वायर बिकम्स टॉट डाउनवर्ड। अब कंडक्टिव वायर में क्या हो जाएगा, फोर्स कैसे लग रहा होगा, डाउनवर्ड की तरफ, पहले फोर्स अपवर्ड की तरफ और फोर्स डाउनवर्ड की तरफ, दिस फोर्स एक्ट ऑन द वायर डाउनवर्ड्स। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, करंट है कंडक्टर में वो बढ़ा दिया जाए तो फोर्स भी क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कंडक्टिंग वायर वॉज डिस्कवर्ड बाई द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ये जो फोर्स है करंट कैरिंग वायर में कंडक्ट हो रहा है या एक्ट हो रहा है, किसने डिस्कवर किया था, माइकल फैराडे ने। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, और ये प्रिंसिपल हम कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ करते हैं। यहाँ ये कुछ फिगर आप देख सकते हैं, फोर्स किस तरह क्रिएट हो रहा है, एक वायर हमने रख दिया और शू मैग्नेट ली, इस तरह वायर को रख दिया, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, फोर्स ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। The direction of the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field can be found according to the following rule. अगर हमें direction पता करनी हो current carrying conductor में तो एक rule के द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं, जो कि कौन सा है, Fleming left hand rule, क्या है देखते हैं। According to Fleming left hand rule, the direction of force applied to a conductor, to a current carrying wire is perpendicular to both the direction of current and as well as magnetic field. हमें पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट स्ट्रेच द थंब को क्या करें, स्ट्रेच करें, द फर्स्ट फिंगर एंड द मिडिल फिंगर इन सच ए मैनर, इस तरह दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों कैसे हों, एक दूसरे के
परपेंडिकुलर हों, दैट इज़ द एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ फिंगर इज कितना होना चाहिए 90 डिग्री. देन इफ़ द फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है तो मिडिल जो फिंगर है वो क्या करेगी, करंट की फ्लो को डायरेक्शन को शो करेगी. देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो हमारा थंब होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा. दिस रूल वॉज ओरिजिनेटेड बाई जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग इन द लेट 19th century एज ए सिंपल वे ऑफ वर्कआउट द डायरेक्शन इन ए इलेक्ट्रिक मोटर और द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर. और इस रूल को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये जो रूल है वो किसके द्वारा आया था, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा आया था 19th century में. और ये कहाँ वर्कआउट होता है, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर में. आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, फोर्स जो थंब है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, तीनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप ट्राई करेंगे पॉज करके, अगर नहीं आ रहा है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं. बाकी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. हमेशा की तरह इसको आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और साथ में फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल सके. इस तरह की सीरीज और भी हैं चैनल पे, उन्हें भी आप देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.